बच्चों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारे विषय गणित की वर्कशीट, सप्ताह है 13, कक्षा है 5। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबा करके सभी मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो देखिए बच्चों आज का उपविषय है हमारा सममित और असममित आकृतियाँ। बच्चों ये क्या होती है, देखिए सममित वो होती है जो बराबर भागों में आकृतियों को बांटती है, ठीक है, और असममित आकृतियाँ जो बराबर भागों में हमें ये जो आकृतियाँ दी गई है उन्हें नहीं बांटती है, ठीक है बच्चों। तो यही होती है सममित और असममित आकृतियाँ। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या प्रत्येक आकृति पर बनी बिंदु रेखा सममित रेखा है, तो आपको बताना है। तो ये देखिए बच्चों इसने दो भागों में बराबर बांटा है, ये है, ये हमारी सममित नहीं है, ये भी नहीं है, ये हमारी है, ठीक है सममित है। अगला ये वाली भी नहीं है, ये हमारी सही होगी, ये भी हमारी सही होगी और ये हमारी गलत होगी। तो हमें बोला गया है उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर नीचे हाँ या ना में लिखें, ठीक है बच्चों। तो हाँ या ना में हमें बताना है कि ये सममित है या नहीं है। तो पहली हमारी है हाँ, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी हाँ, पांचवी नहीं, छठी हाँ, सातवीं हाँ और आठवीं नहीं, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न दो, प्रत्येक आकृति पर समरूपता की एक रेखा खींचिए। अब बच्चों देखिए हमें समरूपता की एक रेखा यहाँ पे खींचनी है, तो हम इन्हें समान बनाने के लिए किस तरह से इनमें आकृति खींचेंगे, सॉरी एक रेखा खींचेंगे। तो बच्चों इनमें बीच में से हमें एक रेखा इन सभी के बीच में खींचनी है। तो इस तरह से बच्चों आप स्केल की मदद से एक रेखा खींच के इन्हें बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये बराबर भागों में बट जाएंगी, इस तरह से आप सभी बच्चों एकदम सीधी स्केल की मदद से लाइन खींचेंगे और इन्हें बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने इन्हें बराबर भागों में बांटा, ठीक है बच्चों। अगला देखिए बच्चों प्रश्न तीन, बिंदु रेखा से दो भागों में बांटी गई आकृतियों में से कौन सी आकृतियाँ आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बनाएगी। तो देखिए बच्चों कोई भी आकृति आपको दी जाए तो आपको बताना है कि अगर हम उन्हें कांच के आगे रखेंगे तो पूरी आकृति कौन सी आकृतियाँ दिखाएंगी। एक एक नहीं दिखाएगी, दो दो भी नहीं दिखाएगी, ठीक है, तीन तीन भी नहीं दिखाएगी, चार भी नहीं दिखाएगी, पाँच पाँच अगर हम इसे कांच के सामने रखेंगे तो ये हमें दिखाएगी, छः ये भी हमें दिखाएगी, सात ये भी हमें दिखाएगी, आठ भी दिखाएगी, आकृति आठ भी हमारी सही होगी, नौ भी नहीं होगी, दस भी नहीं होगी, ग्यारह भी नहीं होगी, बारह भी नहीं होगी, तेरह भी नहीं होगी, चौदह भी नहीं होगी, सॉरी तेरह हमारी सही होगी, ठीक है। इसे अगर हम आईने में रखेंगे तो ये हमें पूरी आकृति दिखाएगी और पंद्रह भी हमारी सही होगी। तो क्रमांक कौन कौन सी, पाँच छः सात आठ तेरह और पंद्रह आकृतियाँ ऐसी है जो कि हमारे आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बनाएगी, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए जीवन कौशल। तो देखिए बच्चों नकली मुद्रा, प्रश्न पहला है बच्चों, सौ दस सौ व 500 रुपये का एक एक नोट ले, अब उन्हें देखकर बताएं कि संख्या व चित्रों के रूप में नोट पर आप क्या क्या देख पा रही हैं। बच्चों देखिए आप सभी एक नोट लेंगे, किस किस का, 10 का 100 का और 500 का। अब आपको बताना है कि संख्या व चित्रों के रूप में आप नोटों पे क्या क्या देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों नोट पर संख्या में नोट नंबर होता है जिसे हम सीरियल नंबर और रुपये के चिन्ह रुपए के साथ कितने का नोट है ये लिखा होता है, और चित्र के रूप में बच्चों सभी नोटों की आगे की ओर गांधी जी का चित्र होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चित्र होता है, वह अशोक चिन्ह का चित्र होता है, और नोट के पीछे की तरफ अगर हम देखेंगे बच्चों तो नोट के पीछे की ओर गांधी जी के चश्मा, और 10 रुपये के नोट पर सूर्य मंदिर, कोणार्क, 100 रुपये के नोट पर रानी की बाव और 500 रुपये के नोट पर लाल किले का चित्र बना होता है, ठीक है बच्चों।
अगला देखिए बच्चों प्रश्न दो, निम्नलिखित कथन पढ़ें वे बताएं कि कथन के अनुसार नोट नकली होगा या असली। यदि नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक नहीं लिखा है तो बच्चों हमारा नोट क्या होगा? नकली। आप देखेंगे तो असली नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है। यदि नोट में सुरक्षा धागा नहीं हो तो बच्चों हरा रंग का सा एक नीले रंग का सा सुरक्षा धागा होता है, अगर वो नहीं होगा तो हमारा नोट क्या होगा? नकली होगा। यदि नोट पर रुपए के मूल्य के साथ अगर रुपए का निशान नहीं होगा तो ये तब भी हमारा जो नोट है वो क्या होगा? नकली होगा। यदि नोट पर किसी प्रकार का कोई नंबर छपा नहीं होगा तो भी हमारा जो नोट है वो कैसा होगा? नकली होगा। अगला है बच्चों संस्कार शाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे, सूर्य उदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। खाद्य रंग हरा, हरे रंग का खाद्य पदार्थ खाएं, उदाहरण के लिए अमरूद, ककड़ी, पालक, बीन्स, भिंडी आदि। परिवार के साथ समय खेल, सांप सीढ़ी और अंतराक्षरी अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलें। गतिविधि रस्सी कूदना। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में दो बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करके बताएं बच्चों कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।